तो शोरूम चल रहा है, लारा डिस्ट्रीब्यूटर्स के नाम से हीरो होंडा का 3 मंजिला बिल्डिंग बनी हुई है, हर आदमी उसको देख रहा है। मैं उसके बारे में सवाल नहीं उठाया, मैंने सवाल उठाया कि जिस जमीन पर बना है और जिस जमीन को आपने खरीदा 53 लाख रुपए में, आज उसकी कीमत 15-20 करोड़ रुपया होगी, उसका भी आप जवाब नहीं दे पाए कि जिस प्रॉपर्टी को आपने रजिस्ट्री में दिखलाया उसको चुनाव के एफिडेविट के डिक्लेरेशन में क्यों नहीं दिखाया, उस पर भी चुप्पी साध लिया। दूसरे मित्रों, लगातार इतने खुलासे और पूरे देश में बिहार की छवि खराब हो रही है, बिहार का मजाक हो रहा है। इस गठबंधन का सबसे बड़ा नेता और जो पार्टी है उसके लोग किस तरह से भ्रष्टाचार में डूबे हैं। एक शादी में गया था तो जो बात है उसका जवाब नहीं दे रहे, एबी एक्सपोर्ट्स के बारे में एक शब्द नहीं कहा, जो मैंने कल टीवी पर लाइव देखा एक शब्द नहीं कहा, अब पता नहीं आप में से भी किसी ने पूछा कि नहीं पूछा, तो एबी एक्सपोर्ट्स के बारे में एक शब्द नहीं कहा, तो जवाब तो उसका ना दे रहे थे। परसों मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था एबी एक्सपोर्ट्स के बारे में, तो जवाब देते, एके इन्फ्रास्ट्रक्चर के बारे में जवाब नहीं दिया, तो मुझे लगता है कि मेरा एकाध महीना इसी में चला जाएगा। यानी इतनी चीजें सामने आ रही हैं करने के लिए, इसलिए मुख्यमंत्री को चुप्पी तोड़नी चाहिए। शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन झुका लेने से ये आंधी निकल नहीं जाएगी, इसलिए मैं नीतीश जी को फिर बार बार ये कहना चाहूंगा, चुप्पी तोड़िए और आप अपने मंत्रियों पर कार्रवाई कीजिए, एक्शन लीजिए जिन्होंने संपत्ति को छिपाने का काम किया है।